एवरीडे ऑस्कार दरवाज़ा के सामने अगर कोई भी आता है तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और दरवाज़ा से मतलब बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो आज मैं और मिथुन हम दोनों ने तय किया कि उससे ऐसे ही दरवाज़ा खोल के छोड़ देंगे, देखते वो क्या करता है। गो बेबी गो गो। खूब साहस पाच्छे ना आने का रास्ता बंद हो जाएगा। दरवाजा बंद है तुम्हारे लिए, मतलब डेली सोप वाला सास बहू डाला। लेकिन निकल गया, निकल गया। ओह माय गॉड। ऑस्कर ऑस्कर ओके यू गो टाटा। কি করছো কেনে? ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরে বাবা জি ওরে বাবা জি। सुबह का बुला अगर शाम को घर लौटा है तो बुला, तो हम लोग इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। नहीं तो कदम तो तुमने बनाया घर छोड़ दिए। আচ্ছা এবার করে তোমাকে মারছে তো বুঝতে পারলাম না। মারছে কারণে তো আমার সাহস কি করে হলো আমাকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে। অস্কার দুষ্টু। আরে অস্কার आज तो डैडा घूमने नहीं गया, तो घूमने गए तो आज डैडा को तुम्हें मारना चाहिए। मिठुन लाठी लाओ। কেন ঘুরতে গেছে? রোজ পানিশমেন্টটা তুমি পাচ্ছ। দুষ্টু দুষ্টু বাবা জি আমার বাবা জি আমার। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और आर्यन किचन में ये बहुत ही अजीब है क्योंकि आर्यन का फिश आया है और आर्यन को प्रॉन बहुत पसंद है। तो यहाँ पे है हिलसा फिश, ये पॉम्फ्रेट और ये है प्रॉन चापा चिंगड़ी। आर्यन को हिलसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबरदस्ती मैं खिला देती हूँ, पर आज वो नहीं खाने वाले क्योंकि आज उसके पास है प्रॉन जो कि आज बनाना ही पड़ेगा। yes. और पॉम्फ्रेट फ्राई इसे बहुत ज्यादा पसंद है। लोगों का मुंह का टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मुझे आगे ये पॉम्फ्रेट अच्छा लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा पॉम्फ्रेट आर्यन को पहले अच्छा लगता था, आजकल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आजकल तुम्हें कौन सा फिश अच्छा लग रहा है? पापदा। ओके पापदा तो ऑलरेडी फ्रिज में है। तो मासी अभी आज नहीं आएंगे, तो कल मासी आएंगे, उसके बाद टाइगर प्रॉन के साथ आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टर रेसिपी मैं दूंगी। तो गाइस अभी हम लेंगे डॉक्टर चॉइस का रिफ्यूल और ये एक टैबलेट है जो कि आप सुबह ले सकते हैं। मतलब सुबह अगर आप चाहे तो एम्प्टी स्टमक में या ब्रेकफास्ट के बाद एज अ जूस एज अ ड्रिंक, मतलब ऐसे आप ले सकते हो। और हम इसे सुबह सुबह ले लेते हैं। ये बिल्कुल बड़े बड़े जो विटामिन सी का जो गोला है बिल्कुल ऐसा दिखता है और ये बहुत ही टेस्टी है। ये है 100% वेगन फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये स्किन के कोलेजन बिल्डअप में हेल्प करते हैं, अंदर से स्किन को रेडिएंट एंड ग्लो करते हैं। और अगर आपकी स्किन पे एक्ने का प्रॉब्लम है ना तो वो भी ये सॉल्व करता है। और इसमें है नेचुरल बायोटिन, और नेचुरल बायोटिन जो कि हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हम सबको पता है। बायोटिन जबकि हेयर के लिए इतना अच्छा है तो बाहर से लेने से अच्छा है कि ये हम अंदर से लें, तो हेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, हेयर का ग्रोथ बढ़ेगा, हेयर सिल्की शाइनी होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए ये हेयर फॉल को रोक के रिग्रोथ करने में हेल्प करेगा। और इसमें है गाइस विटामिन सी एंड जिंक, और विटामिन सी आपको पता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत हेल्प करता है। और करंट जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए तो इम्यूनिटी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ऊपर से इसमें है 1000 mg नेचुरल विटामिन सी जो कि ऑरेंज और आंवला से निकाला गया। डेली एक टैबलेट लेना है एक पर्सन के लिए। और यहाँ पे जैसे मैंने लिया है 250 ml वाटर, तो ऐसे ही 250 ml वाटर के साथ इसका जो एक टैबलेट है वो डालना पड़ता है। और जब भी मैं ये पानी में डालूंगी ना तो इसका कुछ बूंदे निकलेगा और बिल्कुल इसी तरह से अपने आप ये पूरे पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तब इसे एज अ जूस आप ले सकते हो। इतना बोल सकती हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बिल्कुल ऑरेंज जूस की तरह लगता है। मुझे तो फैंटा की तरह लगता है, ऑरेंज वाला फैंटा। लेकिन इसीलिए ना अपना आर्यन वो गुस्सा हो जाता है कि उसे भी लेना होता है। एक्चुअली इसका पैकेजिंग जो है ना वो बिल्कुल मतलब टॉफी के जैसे पैकेजिंग है और हम दोनों ऐसे डिस्कस करते रहते हैं कि देखो इसका टेस्ट रियली बहुत अच्छा है, मतलब जो हेल्दी होता है वो कभी टेस्टी नहीं होता, पर ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और आर्यन सुनता है तो आर्यन को बहुत मतलब पीने का मन है, पर आर्यन नहीं पी सकता। 16 साल के नीचे रिकमेंडेड नहीं है, 16 साल के नीचे, इसीलिए हम लोग नहीं लेते। और फैंटा का टेस्ट वो मिस करता है तो वो काफी मजा आता है। और ऊपर से ये 20 टैबलेट्स का आता है ये पैकेट, तो 20 टैबलेट्स का कुछ 799 रुपीस का प्राइसिंग है। लेकिन अमेजन में तो ऑफर चलता रहता है, तो इस बार अमेजन में मैंने जब लास्ट बार लिया तो 25% ऑफ था, 599 में मिला। बहुत सही है। और इसका जो मेरा अमेजन का जो स्टोर है उस स्टोर का लिंक मैं दे दूंगी, और इंडिविजुअली इसका जो लिंक है वो मैं अमेजन का दे दूंगी। अगर आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हो। इसका इंडिविजुअल लिंक भी दे देंगे और स्टोर का, आपका स्टोर का लिंक भी दे देंगे। वहाँ पे मेरे घर में जो भी सारे सामान आप देखेंगे, मतलब जो मैंने अमेजन से लिए वो सारे सामान का लिंक आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ में इसका भी मैं दे दूंगी। ऑरेंज वगैरह जो इसमें है, ऑरेंज है इसके कारण, और स्किन के कोई भी क्रीम वगैरह बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेली लाइफ में तो यूज करना चाहिए। नेल को भी, पर नेल को ग्रो करते हैं बहुत मजबूती के साथ, उसे ग्रो करते हैं। और मेरा हाथ का नेल तो ठीक है, पर पैर का जो नेल है वो टिकता नहीं है, मतलब वो टूट जाता है, इसलिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने कहा है कि लेने के लिए। तो जो भी हो, स्किन को के ऊपर से हम ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली करना भी चाहिए हर इंसान को कुछ ना कुछ स्किन केयर, पर अंदर से अगर कोई हम ऐसी चीज़ ले जो कि वो सारी चीज़ों का सपोर्ट बनेगा, बाहर से भी लो अब अंदर से भी लो, उसका सपोर्ट बनेगा तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सब कुछ लाई, बिस्किट लाना भूल गए, तो चावल वाला के साथ चाय पीना पड़ रहा है। 4 बिस्किट है सिर्फ, एक तरफ से अच्छा ही है, ये मस्त लगता है। थोड़ा एसिडिटी हो जाता है। हमारी जिंदगी में चाय, जो कुछ भी आप खाएं, जो कुछ भी आप पिए, चाय का वैल्यू कुछ अलग है। जिन लोगों को चाय पसंद नहीं, वो लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सुबह सुबह अपने पास एनर्जी ड्रिंक कुछ तो चाहिए ना, जो कि काम का प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तो आपको पीना है, जब थोड़ा सा अकेलापन फील होगा तब पीना है। तो क्या है वो ड्रिंक आप लोगों के लिए, आप में से जो भी चाय पसंद नहीं करते? हेल्थ ड्रिंक तो नहीं हो सकता। हेल्थ ड्रिंक इस तरह से अकेलापन दूर करने के लिए या गपशप करने बैठे उस टाइम के लिए तो नहीं है। आज मैं प्रॉन का जो एक नया रेसिपी बनाऊंगी, ये आर्यन को नहीं बोलूंगी, पर आर्यन को बहुत पसंद आएगा। आर्यन को चाइनीज डिशेस बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने सोचा इतने सारी रेसिपी जब मैं बनाती रहती हूँ, मतलब कितनी सारी चीज़ें रहती मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो ये जो प्रॉन है इसका साइज भी काफ़ी अच्छा है, तो इसके साथ क्यों ना चिली प्रॉन फ्राई किया जाए। तो चिली प्रॉन आज तक मैं कभी नहीं बनाई, इवन कभी मैंने सोचा भी नहीं है कि चिली चिकन 2-4 बार शायद बनाई थी और चिली प्रॉन कभी नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि इसके साथ चिली प्रॉन बनाया जाए। 2-3 टाइप की चीज़ें जब बनाने जाओ तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग जाता है। उसके ऊपर से मुझे हिलसा फिश भी बनानी है, क्योंकि वो मिथुन का फेवरेट है और मिथुन थोड़ा सा राइस के साथ हिलसा फिश खाना चाहते हैं। तो तो इसमें मैं जो सारी चीजें ऐड करूंगी वो है विनेगर, सोया सॉस, गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, मैं थोड़ा बहुत गाना सुनते हुए कुकिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं ये जो प्रॉन है इसे फ्राई करूँगी और ज़्यादा टाइम से मैरिनेट करके मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि प्रॉन तो ऐसे सॉफ्ट होने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो बस ऐसे ही हो जाता है प्रॉन। आप जैसे जब भी मैरिनेट करो तभी आप कर सकते हो, और वैसे भी अभी थोड़ा सा लेट भी हो चुका है। तो कढ़ाई पहले गर्म हो जाए, उसके बाद तेल डालेंगे, फिर डीप फ्राई करके फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है रेड चिली सॉस, टमाटो केचप, सोया सॉस एंड विनेगर, और उसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड ग्रीन चिली, थोड़ा सा शुगर। सर अभी मैं ऑयल में सबसे पहले ये जो कैप्सिकम है, गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर और अनियन सब एक साथ डाल दूंगी। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के बाद ये सॉस के साथ डाल दूंगी। और ये थोड़ा सा चिकन मैंने फ्राई करके रखा है सेम बैटर में, ये मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी क्योंकि आर्यन को मतलब बच्चा है जो भी दो वो खा लेगा, पर चिली प्रॉन के साथ अच्छा नहीं लगेगा प्लेन राइस, बस इसलिए। चेंजेस हुआ है रेसिपी का, सॉरी रेसिपी का नहीं मेन्यू का, क्योंकि मिथुन बोल रहा है कि हिलसा फिश एवरीडे हम जैसे कि खाते मतलब लगभग एवरीडे हम वो पतला सा झोल और या तो शोरशे इलिश, वो जो बहुत ही कॉमन है। तो मिथुन बोल रहा है कि बहुत दिन हो गया कि हिलसा बिरयानी नहीं खाए, तो हिलसा बिरयानी आज तो बनाना पॉसिबल नहीं यार, कितना बनाओ आज। तो हिलसा बिरयानी कल या परसों बना लेंगे, कल या परसों आर्यन का एग्जाम भी खत्म हो रहा है। ओके इस खुश में हिलसा बिरयानी हो जाए तो। और आज का जो हिलसा पीस था वो काफ़ी बड़ा था, उसका जो एक एक पीस आया है वो हमने डिवाइड नहीं किया बीच में से, इसलिए उसका पीस भी बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और बिरयानी बना के उसके ऊपर जब वो पीसेस जब ऐसे डेकोरेट करूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। तो मैं सोच रही हूँ कि वाइट राइस के साथ कुछ तो चाहिए, तो आप लोगों को तेल पॉम्फ्रेट का भी रेसिपी चाहिए जो कि मासी का रेसिपी है एक्चुअली। तो तेल पॉम्फ्रेट आज बना लेते हैं। टर्मरिक और सॉल्ट के साथ इसे मैंने मैरिनेट करके रखा है और इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और काश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आई होप कढ़ाई और मैं दोनों ही दिख रहे हैं एक साथ। तो गरम ऑयल में मुझे ऐड करना है बे लीफ, एक कलौंजी यानी कि निगला सीड्स, फिर सिनेमन, कार्डमम एंड क्लोव्स, सारे एक साथ मैं इसमें डाल दूंगी। ड्राई रेड चिली मेरे पास नहीं है, अगर होता है तो एक ड्राई रेड चिली भी आप डाल दीजिएगा। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें से एक एरोमा स्टार्ट हो जाएगा, तब चॉप्ड अनियन नहीं ग्रेटेड अनियन ऐड कीजिएगा। और रॉ अनियन का एक अलग से स्मेल होता है, तो ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा यानी कि रॉ अनियन का जब स्मेल चला जाएगा तब इसमें जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, फिर टर्मरिक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करना है। वो मैं एक के बाद एक करती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। तो अभी चलते हैं लंच पे। आज काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए आज ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, और जबकि ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली जल्दी भूख लग जाती है। तो सारे खाना मैंने टी टेबल पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आई हूँ। ये है आज का हमारा लंच। खाने बैठ गया, सारे भूख करो, बैठ जाओ शांति से। हाँ, ऑस्कर का खाना हो चुका है। ऑस्कर के लिए थोड़ा सा प्रेशर का बन जाएगा ये सारे खाना। तो ये रहा हमारा चिली प्रॉन जो मैं सबसे पहले खाने जा रहा हूँ। ओके, ये रहा फ्राइड राइस। मिथुन को भी थोड़ा सा दिया है क्योंकि मिथुन को भी ये खाना है, जबकि ये खाना है तो प्लेन राइस के साथ अच्छा नहीं लगेगा, और प्लेन राइस के साथ होगा पॉम्फ्रेटेड झाल। नॉर्मल राइस का फ्राइड राइस बना दिया, पर मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। राइस तो पहले से भिगो के रखा था, इसलिए जब तय किया कि चिली पनीर बनाएंगे तो चाइनीज कुछ चिली प्रॉन, फिर चाइनीज कुछ, उसके बाद सोचा कि प्लेन राइस के साथ अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने चेंज किया, तो राइस ना अगर भिगो के रखते हो, अगर नहीं बनाते हो तो वो खराब हो जाता है। बातें कम करते हैं और मेरा बेटा ऐसे ही खा रहा है। बातें कम करते हैं, खाते ज़्यादा है। पर मुझे हाथ से खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक जो है ना, इसका पील ऑफ बस आधा ही किया है, और इसका शेप ठीक ठाक रखने के लिए, और बाकी के पील ऑफ नहीं किया। आज शाम के हो चुके हैं 6:30, और अभी ये रोड जो है कितना अच्छा लगता है ना, रात के टाइम में ये रोड रियली देखने के लायक होता है। यहाँ पे अगर आप खड़े रहो ना तो अपने आप बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो मिथुन भी निकलने वाले हैं थोड़ा, यहाँ पे जो डाउनटाउन मॉल है वहाँ पे जाएंगे और मैं अभी एक वीडियो एडिट करूँगी और बैल्कनी में बैठ के एडिट करूँगी, ताकि मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है तो उसके साथ अच्छा लगे। बैकग्राउंड रियली कैमरा में तो और भी अच्छा लग रहा है, पर वही गर्मी के इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना तो इसलिए ज़्यादातर टाइम हम यहाँ पे आ नहीं पाते। दिन के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है, रात के टाइम में थोड़ा बहुत आ जाते हैं। पर श्यामा पोका एक ये पूजा के टाइम में एक कीड़ा आता है जो कि फ्राई करने वाला जो कीड़ा होता है छोटे छोटे, उसे कहते हैं हम श्यामा पोका, तो वो बहुत ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे। यही ऑस्कर होने की मैंने फिर से तो रूम थे कि চলে আয় বাবু, চলে আয়, পোকাগুলো ঢুকে যাবে। আরে না, ঢুকেছিল, ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি আচ্ছা আমি আর দেখতে পাইনি। उसके कालो ना मेरे पीछे पीछे चला गया बल्कि मैंने से नहीं देखा, बात करने में बिजी थी, मैंने नहीं देखा, मैं जरा फंस गया। तो जो भी है, आज हमारे साथ ऑस्कर भी चाय पिए। फिर से हेयर कलर करने वाली हूँ। मिथुन के साथ शर्ट लगा के मैंने अपना ये हेयर बिल्कुल ब्लैक किया था, तो दुर्गा पूजा सामने, और ब्लैक करने के पीछे और एक रीज़न है। मैं ऐसे अपने हेयर के साथ कोई पंगा तो नहीं लूँगी। मैं यहाँ तक अपना हेयर कट कर रही हूँ, और जबकि यहाँ तक कर रही हूँ तो अभी मैं हेयर के साथ कुछ भी कर रही हूँ, मतलब जो भी कलर, जो भी शर्ट लगा लो मैं कर लूँगी। अभी हाल में मैं गोल्डन कलर करूँगी मैं अपने हेयर को, मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट, हाँ, ब्लॉन्ड नहीं, वो ब्लॉन्ड कलर नहीं है, गोल्डन गोल्ड, हाँ, तो वो करूँगी, क्योंकि अभी मेरा मतलब कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि मैं अपना हेयर वैसे भी कट करने वाली हूँ। तभी हेयर के साथ जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है कर लो भाई, और उसके बाद कैसा लगेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद मैं जाके एकदम यहाँ तक करवा के आऊँगी। और मैं जो हेयर कलर करूँगी स्ट्रिक यहाँ से, मतलब ये नीचे की तरफ भी ज़्यादा करूँगी, वो वैसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि मेरा हेयर जो है वो अभी यहाँ पे नया ग्रो कर रहा है। यहाँ पे मेरा हेयर ग्रो हो रहा है, छोटे 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 बहुत सारे बाल आए। वही छोटे छोटे बाल जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो मेरा सर लगेगा, इतना बड़ा सर लगेगा, और नीचे की तरफ पतला है तो दिखने में बहुत बुरा लगेगा। तो नीचे की तरफ मैं कट कर लूँगी, बहुत दिनों से बोल रही थी पर नहीं हुआ। और नीचे की तरफ मेरा जो हेयर है वो थोड़ा बहुत रफ है, स्प्लिट एंड है इसमें, और उसके बाद जब ग्रो होगा तो एकदम से पूरा वॉल्यूम के साथ ग्रो होगा एक साथ। तो इस बार पूजा में एकदम अलग लुक मेरा देखने को मिलेगा, एकदम से अलग लुक। फिर आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, मासी का एक नया रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।